Very good evening, dear students. So, we are heading on our chapter number 15, and the topic is progressive wave. उसके बेस हमने exercise number 8 और 10 solve किया हुआ है. Okay. तो आज प्रोग्रेसिव वेव के लिए लास्ट न्यूमेरिकल दैट इज अवर इलास्ट्रेशन नंबर 2 और ये न्यूमेरिकल 4 मार्क्स के लिए. उसमें 3 सिंपल क्वेश्चंस है और एक ये जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा आराम से समझ के सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, तो question is, a wave traveling along stream is a traveling wave, that is a progressive wave. Okay, उसके लिए हमें ये equation दिया गया हुआ है in SI units, that is in meter. तो ये displacement y is equal to 0.005, तो ये amplitude कहा जाएगा capital A, sine function है, ये phase का डिस्टेंस का फेज है kx होता है ये. ओके, और ये ओमेगा टी फेज ऑफ टाइम है. ओके, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस तो बहुत इजी है, तो पहले क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे अपने प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन के साथ. ओके, तो हम कैसे करेंगे, तो कंपेयरिंग विथ wave equation y is equal to a sin और ये kx और ये omega t वाला टर्म है. ओके, तो kx माइनस omega t के साथ कंपेयर करेंगे हम. ओके, और प्लस phi इनिशियल फेज भी आता है, बट यहां पे तो है नहीं, वो तो जीरो कंसिडर होगा. ओके, तो यहां पे इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो पहला एम्पलीट्यूड का वैल्यू हमें मिलेगा, एम्पलीट्यूड विल बी 0.005, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज इन मीटर. ओके, साइन के एक्स, तो के की जगह पे यहां पे वेव वेक्टर के, 2π/λ. ओके, तो वेव वेक्टर के उसका वैल्यू है यहाँ पे 80 और 2π/λ, दैट इज रेडियन पर मीटर लेंथ, एंड दिस इज ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह पे यहाँ पे कितना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 3 और ओमेगा दैट इज 2π/T, पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज 2π रेडियन पर सेकेंड. क्लियर? ओके, तो अब हमारे पास ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है एकदम सिंपल है, तो यहां तक तो 3 मार्क आपके ऐसे ही आ जाएंगे. ओके, तो पहला क्वेश्चन हमने कंपेयर कर दिया तो इतनी वैल्यूज मिली हम, तो पहला क्वेश्चन क्या फाइंड करना था, एम्पलीट्यूड ए, दैट इज कंपेयर करने से हमें मिल गया ना 0.005 मीटर. ओके, सो दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. सेकेंड, वेव लेंथ, दैट इज लैम्ब्डा फाइंड करना है, तो इसमें से किसके इक्वेशन में वेव लेंथ आता है, के, के इज इक्वल टू 2π/λ, वेव वेक्टर के इज इक्वल टू 2π/λ. तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू 2π/K होगा. ओके, तो 2π, दैट इज 3.14, और डिवाइड बाय के, के का वैल्यू यहां पे कितना है 80. ओके, तो 2.3.14 और डिवाइड बाय 80 अगर आप करोगे तो 6.28, 2 × 3.14, 6.28, divide by 80, तो divide by 80 that is 0.0785, but ये length है, तो length that is meter,
और इसको अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ऐसा ही नहीं लेंथ तो ये मीटर में आ गया, ओके, और अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100, सो दैट इज 7.85 सेंटीमीटर हो गई। समझ में आया ना आपको, इजी है ना, कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन, द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, पीरियड दैट इज टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ फाइंड करना है। ओके, तो इसमें से किसके इक्वेशन में टाइम पीरियड आता है, तो ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, ओके, तो टाइम पीरियड टी दैट इज इक्वल टू 2π/ω, ओके, सो 2π, 2 × 3.14 दैट इज 6.28 और डिवाइड बाय ओमेगा का वैल्यू कितना है 3, ओके, तो 6.28 डिवाइड बाय 3 अगर आप करोगे तो यू विल हैव 6.28 डिवाइड बाय 3 करोगे सो दैट इज 2.09 समथिंग, ओके, तो 2.09 दैट इज सेकेंड, तो ये टाइम पीरियड हो गया, कैपिटल टी का वैल्यू हो गया, ओके। सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास टाइम पीरियड है ना, तो फ्रीक्वेंसी एफ दैट इज 1/टाइम पीरियड, ओके, तो 1 डिवाइड बाय 2.09 अगर आप करोगे, ओके, तो 1 डिवाइड बाय 2.09 दैट इज 0.478 कितना आएगा 0.478 और फ्रीक्वेंसी दैट इज हर्ट्ज, बोलो तीन क्वेश्चंस आपको समझ में आए 3 मार्क्स के लिए, ओके, और ये थोड़ा थोड़ा लॉन्ग मेथड्स है, ओके, तो हमें क्या करना है, तो ये कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट वाई, तो यहाँ पे वाई तक का जो इक्वेशन है उसमें एक्स 30 सेंटीमीटर और टाइम टी 20 सेकेंड लेना है और फिर वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वाई इज इक्वल टू 0.005 sin 80x माइनस 3t, ये मीटर में है वैल्यू, ओके, और यहां इस इक्वेशन में हम x और t का वैल्यू यहां पे प्लेस करेंगे, ओके, तो हियर टेक x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर चलेगा नहीं चलेगा मीटर में, दैट इज डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो दैट इज 0.3 मीटर एंड टाइम टी वो हमें कितना लेना है, तो दैट इज 20 सेकेंड, ओके, चल, तो फिर y का वैल्यू यहां से सब प्लेस करेंगे तो y इज इक्वल टू 0.005 sin, ओके, चलो तो वैल्यू प्लेस करेंगे तो दैट इज 80x, तो 80 × 0.3 करना पड़ेगा, तो 80 × 0.3 दैट इज 24 माइनस 3 और t का वैल्यू 20 है सो दैट इज इट विल बी 60, ओके, समझ में आ रहा है ना, ओके, तो ये वैल्यू हो गया, ओके, तो 0.005 sin और 24 माइनस आप 60 करोगे तो माइनस 36 होगा, ओके, और ये 36 डिग्री नहीं है, रेडियन है, रेडियन है, क्या है ये रेडियन है, रेडियन, तो ओके, तो रेडियन हो तो 2π पे रहता है, 0 वही का वही फंक्शन अगर हमें रखना है तो 0 फिर 2π 4π 6π
8 pi, 10 pi, 12 pi, 14 pi, ऐसे चलता रहता है साइन का ही फंक्शन अगर हमें रखना हो. ओके, तो 36 की नजदीक की वैल्यू हाउ मच पाई? पाई दैट इज 3.14. 12 पाई दैट इज 12 into 3.14. देखो 36 से ज्यादा होगी ना. अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास में पर्सनली पूछिएगा सर से. ओके, पर ये आना जरूरी है. ये रेडियन में है तो मुझे क्या करना है, ये रेडियन की थोड़ी नजदीक की वैल्यू लानी है पाई के टर्म में. सो दैट इज 36 12 पाई, पाई 3.14, तो 12 into 3, तो वो सबसे नजदीक वैल्यू होगी. तो मैं यहां से क्या करूंगा, -36 इसके साथ ऐड करूंगा मैं 12 पाई का मल्टीप्लिकेशन. कितना ऐड किया, 12 पाई ऐड किया, तो फंक्शन भी वही रहेगा. ओके, तो 0.005 साइन. ओके, और -36 और +12 पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो 12 into 3.14 दैट इज 37.68. कितना आएगा, 37.68. ओके, तो ये वैल्यू हमारा 0.005 साइन. डिग्री रेडियन में हम सबसे नजदीक की वैल्यू, छोटे से छोटी वैल्यू हम यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं. तो 37.68 -36 दैट इज 1.68 होगा रेडियन में. ओके, और ये भी रेडियन में है. इसको अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट हो करना, साइन 1.68 डिग्री नहीं है, रेडियन है. तो डिग्री टू रेडियन में जाना हो तो पाई बाई 180 डिग्री, तो रेडियन से डिग्री में आना हो तो उल्टा 180 डिग्री बाय पाई करना पड़ेगा. ओके, तो यहां से हम डिग्री में जाते हैं तो 0.005 साइन. ओके, तो 1.68 into 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई हो गई. तो यहां से 180 डिग्री बाय पाई इंटू 1.68, तो यहां पे हमें साइन का डिग्री वाला वैल्यू मिलेगा. रेडियन से डिग्री में यहां पे कन्वर्ट करेंगे तो 1.68 into 180 डिवाइड बाय 3.14, सो यू विल हैव 96.3. कितना, 96.3, तो दैट इज साइन. और ये वैल्यू आ जाएगा 96 डिग्री. क्लियर, समझ में आई आपको, पक्का ना? तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया 96, और हमें मालूम है कि साइन 90 डिग्री दैट इज 1, तो साइन 96 डिग्री 1 से थोड़ा ज्यादा रहेगा, एकदम नॉमिनल है ना. तो साइन 96 दैट इज 1. ओके, तो वो पॉइंट अप्रोक्स वैल्यू ले लेंगे हम, तो वो 0.005 इंटू साइन 96 का वैल्यू हमने 1 लिया. साइन 91 होता है तो साइन 96 डिग्री थोड़ा 1.00 something. तो ये नजदीक का वैल्यू ले लिया हमने. ओके, तो y इज अप्रोक्स इक्वल टू 0.005 into 1, तो दैट इज 0.005, और ये डिस्प्लेसमेंट तो दैट इज इन मीटर. बोलो समझ में आया आपको, है ना? और ये थोड़ा यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस, ये रेडियन है, इसको अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो बहुत बड़ा डिग्री है, 4000 डिग्री, 3000 डिग्री अप्रॉक्स. तो हमें ये रेडियन को छोटा बनाना है, तो 36 12 into 3 36,
तो वो 12 पाई का नजदीक का वैल्यू लेके रेडियन और वहां से यहाँ डिग्री में कन्वर्ट किया। ओके, नहीं समझ में आया हो ये पोर्शन तो थोड़ा आप क्लास में पूछ लीजिएगा पर्सनली, जो भी सर होंगे। ओके, हो जाएगा काम इतना कंप्लीट। ओके, तो इतना काम आप कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।